उनके लिए का वो तो करते ही रहते हैं कि हम तो भाईचारे के एक संदेश देना चाहते हैं। मुस्लिम परिवार सालों से बना रहा है रावण का पुतला भाईचारे की मिसाल का वीडियो इंटरनेट पर वायरल। उत्तर भारत की ऐतिहासिक रामलीला हिंदू मुस्लिम एकता के संदेश के साथ ही मिसाल पेश कर रही है। भले ही फिरका परस्त लोगों के दिलों में नफरत की दीवार पैदा कर रहे हो, बावजूद इसके लोगों में भाईचारे की कोई कमी नहीं हुई। इसका अंदाजा यूपी के आगरा से सामने आए इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी लगन के साथ अपने हिंदू भाइयों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी विजयदशमी के लिए एक से बढ़कर एक रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि आगरा के रामलीला मैदान में दशहरा पर्व को लेकर इस बार तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि इस बार 100 फीट से अधिक ऊंचा रावण का पुतला बनाया जा रहा है। यूपी समेत आगरा में भी त्योहार के मौसम में सांप्रदायिक सद्भाव का नजारा देखने को मिल रहा है। यूं तो आगरा में पिछले कई सालों से मुस्लिम समुदाय के लोग रामलीला में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार त्योहारों की रौनक पहले से ज्यादा बढ़ गई है। रावण का पुतला बना रहे एक कारीगर ने बताया कि वो पिछले करीब 40 वर्षों से लगातार ये काम कर रहे हैं। उनके पूर्वज भी यही काम करते थे। उन्होंने आगे बताया कि हमारा पूरा परिवार काम में लगा हुआ है, दशहरे के दिन तक पुतले तैयार करने हैं। हमारा तो खानदान यही काम करता आया है, सबको मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहिए। इस खबर के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक यूजर ने लिखा, आए दिन फैलाए जा रहे धार्मिक नफरत से इनको कोई मतलब नहीं है, ये केवल अपने पेट की चिंता करते हैं। दो वक्त की रोटी मिल गई काफी है इनको, इसलिए इस तरह की खबरों से किसी तरह की अराजकता नहीं फैलाए। वहीं एक और यूजर ने लिखा, यही तो असली भारत है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये मिसाल भारत में बहुत आम है, टीवी पर इसे न्यूज की तरह पेश करना हैरान करने वाली बात है। आपको बताते चले, विजयदशमी का त्योहार यूं तो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन देश भर में जगह जगह रावण के पुतलों का दहन किया जाता है। इस खास मौके पर आगरा में उत्तर भारत की मशहूर रामलीला होती है, जहां हर जगह की तरह दशहरे पर विशालकाय रावण का पुतला दहन किया जाता है। बता दें कि देश भर में इस बार 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जिसके बाद 5 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। मुस्लिम परिवार द्वारा सालों से निभाई जा रही इस परंपरा को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आप तक पहुँचती रहे।